एकदम डेड लाइन में आएर बजेट तथा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत कर आज गई राखेका छौं। इसमें हामीलाई निर्माण को चरण में सहयोग करने विभिन्न शाखा का कर्मचारी विभिन्न समिति का सदस्यजीवर लगायत कार्यपालिका सदस्य वडा सदस्य संपूर्ण आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रमको उसमा नीति तथा कार्यक्रमको हामी उसमा परिधि भित्र रहेर 2080-81 को लागि बजेट बनाउने छौ। हामी गढाइयाका प्रहरी बच्चा साजीलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै श्री नेरा प्रावी माधोपुर का प्रह श्री सुरेश गिरीजीलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै श्री नेरा प्रावी औराहा का प्रह श्री वीरेन्द्र मिश्रजीलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै श्री नेरा प्रावी पर्सौनी सिराका प्रह श्री राजेश यादवजीलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै श्री नेहरा प्रावी चिलझपटी का प्रह श्री राम बहादुर प्रसाद यादवजी आसन ग्रहण कर दिन होना हार्दिक अनुरोध करदछ। श्री नेहरा प्रावी मधुआहा का प्रह तथा विगत का हमारा शिक्षा संयोजक श्री नरेश महतो कोईरीजी रहे अतिथि को आसन ग्रहण जगन्नाथपुर गाँव पालिका को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकरण कार्यक्रम को अध्यक्षता गरिराख्नु भएको सभाध्यक्षज्यू विशिष्ट अतिथिज्यू यहाँ ड्यास में उपस्थित हमारा अतिथिज्यू सभा सदस्यज्यू इस हम निम्त स्वीकार करी यहाँ उपस्थित भइदिनु भएको हम संपूर्ण शाखा प्रमुखज्यू विद्यालय का प्रजीवर विद्यालय व्यवस्थापन समिति का अध्यक्षज्यूर संचारकर्मी साथीजी सुरक्षाकर्मी साथीजी साथै यस जगन्नाथपुर गाउँपालिकाका विभिन्न गाउँहरूबाट पाल्नु भएका भद्रवलादिनी यस गाउँपालिकाका जनता जनार्दन ज्यूहरूलाई म कृष्णनन्दन राय आफ्नो तर्फबाट र यस जगन्नाथपुर गाउँपालिकाको तर्फबाट यस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई म हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। युवा नेता दाई सोरुम राउत गद्दीजी वैसे हमी के जगन्नाथपुर गाँव पालिका के छह वार्ड के वड़ा अध्यक्ष लोग वड़ा सदस्य लोग हमी के सुरक्षा कर्मी साथी लोग हमी के संचार कर्मी पत्रकार साथी लोग तथा यहाँ उपस्थित सब लोग में पहले अमर क्रांतिकारी जय नेपाल को अभिवादन बा जय नेपाल। परिचालन गरी समावेशी जलवायु स्थापित तथा दिव स्थानीय आर्थिक विकास मार्फत समूह जगन्नाथ गाउँपालिका र सुखी जनतालाई हासिल गर्न सार्वजनिक निजी क्षेत्र समुदायको साझेदारी विकास गर्न निर्माण पर्व राजनैतिक आर्थिक सामाजिक प्रशासनिक आदि फैलिएको महामारी फैलिएको COVID-19 महामारीबाट फैलिएर माथि उठ्न लागेको अर्थतन्त्र पूर्ण युक्रेन युद्ध र सोमबाट विश्व आकृति श्रृङ्खलामा आएको संकुचनले नेपालले समेत प्रभाव पारेको छ। हस्तान्तरण गरिसक्नु भएको छ। अब जगन्नाथपुर पालिकाको 80-81 को बजेट विस्तृत रूपमा उहाँले पढेर सुनाउनु हुनेछ। धन्यवाद। आज के जगन्नाथपुर गाउँपालिका के 9 गाउँ अधिवेशन आज जन हमी के गाउँपालिका के नीति कार्यक्रम के प्रस्तुति हमी के गापा उपाध्यक्ष से भैल इ कार्यक्रम के आज प्रमुख अतिथि जी लगाए यहाँ उपस्थित भइल
सबके में सर्वप्रथम हमारा तरफ से जय नेपाल के अभिवादन बा। जय नेपाल। आज ये हमारा कार्यकाल के दूसरो बजट प्रस्तुतिकरण है। हम नीति तथा कार्यक्रम के बाकी रहल नीति तथा कार्यक्रम के बाकी रहल प्रस्तुति अपने लगन के मार्ग राखे जाता नहीं वो से ध्यान देके सुन देवे खातिर हम संपूर्ण सहभागी जी लोग से हार्दिक अनुरोध करते बानी। विकास तथा समृद्धि को लक्ष्य प्राप्ति को अवसर तथा चुनौती रहेको जनकपुर गाउँपालिका में कई विद्यमान अवसर को बारे में मैं तपाईहरुको माझमा प्रस्तुत गर्दै छु। हमारा लागि धेरै प्रयोजनको अवसर रहेका छन्। संविधानत अधिकार संपन्न स्थानीय सरकार स्थापना भए 22 वटा एकल अधिकार सहित विविध साझा अधिकार प्रदान हुनु आफ्ना अधिकार क्षेत्र को विषय में ऐन कानून तर्जुमा र योजना तर्जुमा को अभ्यास हुनु तीन में विकास निर्माण को विधि विविध विषय में नीति कार्यक्रम तथा बजेट संचालन गर्न अधिकार प्रष्ट हुनु चार में जगन्नाथपुर गाउँपालिका भित्र भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधता रहनु सबै वडामा सड़क को पूर्वाधार को पहुँच हुनु छ में सड़क निर्माण में भएको लगानी संगे जगन्नाथपुर गाउँपालिका में उत्पादित कृषि जन उत्पादन लाई बजार सम्म पहुँच स्थापित हुनु घर को निर्माण में भवन संहिता पालन होने क्रम बढ़ु तथा नक्सा पास गर्न नागरिक को आकर्षण कर विद्यमान चुनौती हमारा सामू देवजी का चुनौती रहेका छन्। रोजगार उन्मुख सिपमूलक शिक्षा को विकास गर्नु बजार को सूचना कृषक लाई समस्या ने उपलब्ध गराउनु गुणस्तरीय बीउ बीजन मरखाद समय में उपलब्ध गराउनु युवा जनशक्ति कृषि व्यवसाय प्रति आकर्षित गर्नु व्यावसायिक कृषक को संख्या वृद्धि गर्नु विदेशी रोजगार फर्किएका सिपयुक्त युवा को सिप तथा पूंजी लाई उद्यम विकास में उपयोग गर्नु निर्माण भएको पूर्वाधार का मरम्मत सम्भार पद्धति को विकास गर्नु सड़क लगायत का पूर्वाधार को उपयोग योजना डिजाइन तथा ड्रइंग बिना करने सड़क तथा अन्य पूर्वाधार को संरचना निर्माण को कार्यलाई रोक्नु बाढ़ी पहिरो तथा डुबान लगायत को परिकोप में उच्च जोखिम भएका बस्ती भवन निर्माण कार्यलाई रोक्नु अव्यवस्थित बस्ती विस्तार को क्रम रोक्नु तथा व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नु वैज्ञानिक जलवायु उथनशील तथा व्यावहारिक एवं उपयुक्त उपभोग योजना तर्जुमा गरी लागू गर्नु संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट प्रभावकारी सेवा प्राप्ति र व्यवस्थित गर्नु तथा नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा बालु गिटी मात्र अवलम्बन नगरी अत्यधिक दोहन रोक्नु विभिन्न कारखण्डमा जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा निर्माण भएको पूर्वाधारका संरचना पूँजीगत सम्पत्ति को लागत तयार गर्नु मूल्यांकन गर्नु सेवा प्रभाव मा प्रभावकारी उद्योग सम्बन्धी योजना सेट म्यानेजमेन्ट प्लान तयारी गरी कार्यान्वयन गर्नु तथा कार्यक्रम तर्जुमाका आधारहरू संविधान प्रचलित कानून व्यवस्था राष्ट्रीय प्रदेश र स्थानीय नीति योजना र लक्ष्य एवं अनुभव तथा सिकाई आदि को नेपालको संविधानमा स्थानीय शासन सम्बन्धी उल्लेख भएको नीतिगत व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले स्थानीय तहले औद्योगिक वार्षिक तथा रणनीतिक योजनाहरू बनाई लागू गर्दै जानुपर्ने प्रावधान राष्ट्रीय योजना आयोगले जारी गरेका स्थानीय तहको योजना दिग्दर्शन 2078 15 औद्योगिक योजनाको मूलभूत पक्षहरू अनुसार विभिन्न चरणको सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ। 15 योजना दिगो विकास लक्ष्य 2030 को मार्गचित्र जगन्नाथपुर गाउँपालिकाको औद्योगिक योजना मध्यमकालीन खर्च योजना जगन्नाथपुर गाउँपालिकाको कार्यान्वयनमा ल्याइएको कानूनी प्रावधान समेतलाई ध्यानमा राखी यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ।
गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास निर्माण को कार्य में जगन्नाथपुर गांव पालिका भीतर का आम उपभोक्ता सर्वसाधारण जनता उद्योगी व्यवसायी सामाजिक संघ संस्था तथा विकास सहकार को निरंतर सहयोग रहते आएको छ। विकास र सुशासन को लागि जनप्रतिनिधिहरूले स्पष्ट दृष्टिकोण सहित अगुवाई करने हो भने प्रशासनिक संयन्त्रले त्यसलाई प्राविधिक तथा कानूनी ढांचा भित्र आवत गराउने हो। आम नागरिकहरूले साथ सहयोग सुझाव दिने हो। जनसभा कार्यान्वयन जनपरिचालन को क्षेत्र में जगन्नाथ गाउँपालिकाले काम गरेको इतिहासलाई अचुलिय राख्दै शासकीय प्रबंध में जवाबदेहिता पारदर्शिता गुणस्तरीय स्वच्छता युक्त जनसहभाग का सुनिश्चित करने जगन्नाथपुर गाउँपालिका को संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अदावधिक रूप में अध्ययन करी छरितो एवं चुस्त संगठन संरचना मार्फत प्रशासनिक तथा चालू खर्च मितिवय बनाने यसबाट सेवा प्रभावलाई प्रभावकारी तथा विकेन्द्रित तुल्याउँदै पूंजीगत खर्च बढाउने नीति लिएको छ। संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान एवं वित्तीय हस्तान्तरणको उच्चतम र प्रभावकारी परिचालन एवं उपयोग गर्दै वित्तीय आत्मनिर्भरता कायम गर्न प्रयत्न गर्नेछ। यस जगन्नाथपुर गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा समृद्ध समावेशी स्वच्छ सुरक्षित स्वावलम्बी र सुशासन समुदाय निर्माण गर्न उद्देश्य लिएको छ। जनताको मौलिक अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नको लागि सहभागिताका माध्यमबाट पारदर्शित र जवाबदेहितालाई जोड दिनेछ। चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मका प्रमुख उपलब्धिहरू व संक्षिप्त विवरण भौतिक उपलब्धिको पूर्वाधार सडक खाने पानी सिंचाईका क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरू सडक यातायात यस जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा हालसम्म लगभग 15 किलोमिटर पक्की सडक 40 किलोमिटर ग्रेभल सडक 50 किलोमिटर धुलो अपच्छी सडक रहेको छ। जगन्नाथपुर गाउँपालिकाका सबै वडामा सडकको पहुँच पुगेको छ। जगन्नाथपुर गाउँपालिकाको विभिन्न बस्ती र पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा समेत सर्व आम गाडी चल्ने सडक पूर्वाधार विस्तार गरेको छ। जगन्नाथपुर गाउँपालिकाबाट अन्य गाउँपालिका तथा प्रमुख राज्य मार्ग सम्मको सडक पहुँचमा सुदृढ बनाएको छ। सिंचाई जगन्नाथपुर गाउँपालिकाको विभिन्न वडामा पुल निर्माण पक्की बाँध डिपी बोरिङ सूर्य ऊर्जा योजना आदिको माध्यमले केही भूभागमा सिंचाई सुविधा प्राप्त हुने अवस्था सृजन भएको छ भने जलवायु परिवर्तनको प्रभावको कारण डिजाइन अनुसार पानी पर्याप्त हुने कुरामा चुनौती थपिएको छ। सामाजिक विकास क्षेत्र स्वास्थ्य लक्षित समूहका क्षेत्रमा भएका उपलब्धि जगन्नाथपुर गाउँपालिका सामुदायिक विद्यालयहरूमा विगत 74-75 78-79 आर्थिक वर्षसम्मको स्थानीय सरकारको पालामा देखिएका चरम अभाव रहेको शिक्षक पदपूर्तिको समस्यालाई समाधान गरी नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरी दरबन्दी अनुसारको शिक्षक भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाई सकिएको र सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा कमी रहेको शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि दक्ष अनुयोग्य स्वयंसेवक शिक्षक प्रतिपूर्ति गर्न सम्पूर्ण प्रक्रिया कानून सम्बद्ध तरिकाले अगाडि बढाउन स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 79-80 गाउँ सभाबाट पारित गरी शिक्षक भर्ना पदपूर्ति अगाडि बढाइएको छ। सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना जीर्ण भएको तथा शौचालय विहीन रहेको विद्यालयहरूमा चालू आर्थिक वर्षमा कम्पाउन्ड वाल विद्यालय भवन निर्माण तथा मरम्मत सम्भार शौचालय निर्माण तथा शिक्षण सिकाई वातावरण अनुकूल बनाइएको तथा बाँकी रहेको विद्यालयहरूको लागि आर्थिक वर्ष 80-81 आवश्यक बजेट विनियोजित विद्यालयहरूलाई आधुनिक तथा व्यवस्थित बनाइनेछ। विगत धेरै वर्षदेखि यस गाउँपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जीर्ण तथा जर्जर कच्चा कोठाहरूको कारण खुला आकाश मुनि भुइँ तथा वर्षायामको समयमा पानी चुहिने कच्चा कोठामा पठन पाठन गर्नुपर्ने अवस्थालाई सुधार गर्न 79-80 विभिन्न विद्यालयहरूमा करकट परिवर्तन मरम्मत तथा कच्चा कोठाको भुइँको जमिन ढालान गरिएको तथा यस गाउँपालिकाले श्री बाबा बैनाथ आठ धारभूत विद्यालय गढैयामा 9 कोठा श्री नेहरा प्रावि मावि जगन्नाथपुरमा 8 श्री नेहरा प्रावि मसियालीमा 8 तथा श्री नेहरा प्रावि
आधारभूत विद्यालय सुकुर सवारी में दुईटा पक्की को कच्चा कोठा भवन निर्माणधीन अवस्था में रहे तथा ती संपूर्ण भवन आर्थिक वर्ष 80-81 में मई कार्य संपन्न कराई संचालन में लियान को लगी उचित बजट विनियोजित करने क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करते सामाजिक विकास संबंधी नीति तथा कार्यक्रम शिक्षा आवश्यकता और वास्तविक जीवन संग जोड़ने र काम सिखाने जीवन योपिक शिक्षा आधारित शैक्षिक पाठ्यक्रम को विकास करी एक विद्यालय नमूना को रूप में शुरुआत करने र क्रमश सब विद्यालय में सो अनुसार को पठन पाठन को व्यवस्था मिलाइने दुई शिक्षा नियमावली शिक्षा नीति बहुभाषा शिक्षा निर्देशिका जस्ता कानून तथा नीतिगत व्यवस्था मार्फत शिक्षा क्षेत्र को गुणस्तर नियमन एवं प्रवर्धन करने जगन्नाथपुर गांव पालिका को स्थानीय शिक्षा पाठ्यक्रम तर्जुमा करी लागू करने पाठ्यक्रम में अतिरिक्त क्रियाकलाप र विविध समुदाय को जातीय तथा सांस्कृतिक पहचान को बोध कराउन अवलोकन भ्रमण पद्धति अभ्यास कक्षा प्रतिकारात्मक शिक्षा दिन जोड़ दिने चार विद्यालय बाहर रहेका र बीचमै विद्यालय छोड़ने बाल बालिकाहरूलाई विद्यालय शिक्षा पूरा गर्न प्रोत्साहन को लागि विशेष पैकेज संचालन गरिनेछ पाँच विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार स्वास्थ्य तथा सरसफाई को सुविधा र आधारभूत खाने पानी सुविधा विस्तार गर्दै शिक्षकहरूको व्यावसायिक क्षमता विकास को लागि लगानी गर्नेछ संस्थागत विद्यालयहरूको विभिन्न सूचकहरूको आधारमा वर्गीकरण गरी वैज्ञानिक ढंग ने शुल्क निर्धारण करी लागू करने अंग्रेजी माध्यम शिक्षा दिन इच्छुक सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार तथा शिक्षक दरबंदी लगायत को कार्य में प्रोत्साहन दी निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालय को शैक्षिक गुणस्तर कायम करने विषयगत शिक्षक अभिलेख व्यवस्थापन करी जगन्नाथपुर गाउँपालिका को शैक्षिक विकास सेवा उनीहरुको अनुभवलाई उपयोग गर्ने छ संस्थागत विद्यालय में गए शिक्षक वर्तमान परिवेश संग घुलमिल गराउन विभिन्न पुनर्ताजगी कार्यक्रम संचालन गर्ने छ सामुदायिक विद्यालय में शिक्षक भर्ना अनुपात में विषयगत दरबंदी एवं शिक्षक सर्वलाई व्यवस्थित व्यवस्थापन गर्ने छ संघीय दरबंदी ने अपुग रहेका विद्यालय में गाउँपालिका को तर्फबाट आवश्यकता अनुसार कार्यपालिका को निर्णय बमोजिम संसेवक शिक्षक दरबंदी सृजना करी पठन पाठन कराने तथा निजी अरुको सेवा सुविधा तथा अन्य व्यवस्था सन् सेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि 2080 को मोजी व्यवस्था करने शैक्षिक क्षेत्र को सुधार हम भविष्य को आधार भन्ने आदर्श लक्ष्य प्राप्ति को लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्र का शैक्षिक संस्थाहरूबाट प्रदान करने उच्च शिक्षालाई थप गुणस्तरीय र सर्वसुलभ तुल्याउन त्यस्ता प्राविधिक संस्थाहरूसँग सहकार्य र सहकारी गर्नेछ विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा बाल मैत्री तथा अपनता मैत्री संरचना निर्माण गर्नेछ चौध सबै माली तथा निमाली विद्यालयहरूमा पुस्तकालय विज्ञान कम्प्युटर प्रयोगशाला स्थापनाको नीति लिनेछ शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी को प्राश्रमिक मासिक रूप में सोझे संबंधित व्यक्ति को खत्ता में जमा होने गरी प्रणाली लागू करने जगन्नाथपुर गाउँपालिका क्षेत्र भित्र का गुरुकुल मदरसा गुम्बा जस्ता शिक्षालय को स्तर उन्नति गर्दै लग्ने शैक्षिक प्रणाली में रूपांतरण ल्याउन पाठ्यक्रम विकास पठन पाठन को व्यवस्थापन अतिरिक्त क्रियाकलाप व्यवस्थापन शैक्षिक पात्र व्यवस्थापन औद्योगिक समय स्रोत व्यवस्थापन विद्यालय अभिभावक बीच को संचार व्यवस्थापन अनलाइन शिक्षक तथा सिकाई दस्तावेजीकरण लगायत को क्षेत्र में सूचना प्रविधि को प्रभावकारी उपयोग करी सब सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय में शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू करने मिति अविलंब करने गाउँपालिका का गरीब तथा जानदार विद्यार्थी मध्य नेपाल सरकार को मेडिकल शिक्षा बोर्ड को प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरी एमबीबीएस अध्ययन करना का नामांकन कराने विद्यार्थी उचित प्रोत्साहन उपलब्ध कराने लक्ष्य लिएको छ बीएससी नर्सिंग अध्ययन को लागि दलित छात्रहरूलाई उचित प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्ति को व्यवस्थापन गर्नेछ
सांस्कृतिक संबंधी नीति तथा कार्यक्रम जगन्नाथपुर गांव पालिका खुला बहुसांस्कृतिक संग्रहालय को रूप में विकास करना पूर्वाधार निर्माण करते बहुसांस्कृतिक पहचान और मौलिकता झलकने वस्तु कला मूर्ति कला चित्रकला जस्ता समूह निर्माण करने आदिवासी जनजाति सामाजिक बहिष्करण में पड़े वर्ग को लगी सांस्कृतिक कार्यक्रम संचालन कराइने ऐतिहासिक काल देखि दलित तथा डोम समुदाय जीवन निर्वाह का रूप में अपनाई आया परंपरागत पेशा व्यावसायिक उद्यम को रूप में विकास कर पूंजी लगानी सहयोग करने विकास का कार्यक्रम में डोम विकास संस्था प्रभावकारी रूप में सहभागी कराइने सघन परिचालन करने अपनता पुनर्स्थापना को लगी पुनर्स्थापना गृह स्थापना करने ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वाड़ा स्तर बाटे उपलब्ध कराने व्यवस्था मिलाइने जगन्नाथपुर गाउँपालिकालाई सडक मानव जगन्नाथपुर गाउँपालिका बनाइने हिंसा पीड़ित महिला तथा बाल बालिका को लागि एक द्वार सम्पर्क व्यवस्था वन केन्द्र स्थापना गर्ने छ हिंसा मुक्त जगन्नाथपुर गाउँपालिका हाम्रो पहिचान अभियान सञ्चालन गरी सबै प्रकारको हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लिने छ पारिवारिक हिंसा द्वारा पीड़ित को संरक्षण का कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ जगन्नाथपुर गाउँपालिका को बजेट तथा कार्यक्रम में लैंगिक परीक्षण गर्न व्यवस्था मिलाइने छ महिला उद्यमशीलता विकास का लागि महिला द्वारा प्रबन्धित व्यवसाय में निश्चित प्रतिशत छूट को व्यवस्था करने गर्भवती महिलाहरुको लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम र नवजात शिशु को लागि पोषण कार्यक्रम संचालन करने जगन्नाथपुर गाउँपालिका तथा वडा स्तरीय बाल उद्यम संघालय प्रकारी रूप में परिचालन करने हरेक वार्ड में एउटा बाल उद्यम निर्माण अभियान संचालन करने बाल विकास केन्द्र को भौतिक पूर्वाधार पुनरुक्ति करने जगन्नाथपुर गाउँपालिका को बाल मैत्री घोषणा होना बाकी सब वडा 80-81 भित्र बाल मैत्री वडा घोषणा करना कार्य संपन्न करने सामाजिक सुरक्षा भत्ता को रकम बैंक संघ को सहकार्य तथा सहयोग में इस वर्ष भी वडा कार्यालय निर्वितरण करने कार्यक्रम को निरंतरता दिने स्वास्थ्य संबंधी नीति तथा कार्यक्रम नागरिक को पहुंच सुनिश्चित होने गरी गांव जगन्नाथपुर गाउँपालिका क्षेत्र भित्र चिकित्सकीय प्रयोगशाला सेवा अनुसन्धानात्मक कार्यहरू संचालन गर्न अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना अवस्थर उन्नति गरी रोकथाम निदान र पुनर्स्थापना सेवालाई सहज र नियमित बनाउने छ नागरिकहरूलाई मृगौला मुटु उच्च रक्तचाप मधुमेह जस्ता रोगको निःशुल्क जाँच र उपचारको प्रबन्ध मिलाइने छ सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्न व्यवस्था मिलाइने छ वर्धित संख्या र स्वास्थ्य क्लिनिकहरूको सेवालाई स्तर उन्नति गर्न क्रममा प्रयोगशाला सहितको सेवा उपलब्ध गराउने क्रम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सहकार्य गरी निःशुल्क रक्त सञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिने छ आर्थिक रूपमा अति विपन्न जगन्नाथपुर गाउँपालिका वासीहरूको स्वास्थ्य जाँच उपचारको लागि निजहरूलाई अस्पताल ले जाने एम्बुलेन्स सेवाको प्रबन्धलाई निरन्तरता दिने छ अर्ग्यानिक खेतीको विस्तार र तरकारी तथा खाद्यान्न विपणनको उचित व्यवस्थापन गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने छ जगन्नाथपुर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने परम्परागत औषधीजन्य वनस्पतिको संरक्षण र खेती प्रवर्धन प्रशोधन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने छ महिला स्वयंसेविकाहरूको दक्षता विकास तालिम उपलब्ध गराई उनीहरूको सेवालाई प्रभावकारी तुल्याउने छ स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रभावकारी सेवा विस्तारको लागि सार्वजनिक संस्था निजी क्षेत्र र गैर सरकारी संघ संस्थाहरूको सहकार्यका नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ स्वास्थ्य क्लिनिकहरूको प्रदान गर्ने आधारभूत सेवाहरूको शुल्कलाई नियमन गर्नेछ सीमान्तकृत गरिब तथा पछाडि परेको जनसमुदायहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा ग्राहकता दिनेछ जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला नियमित सञ्चालनको लागि विशेष व्यवस्थापन गर्नेछ आर्थिक विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम स्थानीय आर्थिक विकासलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ यस अन्तर्गत स्थानीय प्रति वस्तु तथा सेवाको सहभागितामूलक पहिचान गरी ती वस्तु वा सेवाहरूको समग्र मूल्य श्रृङ्खला उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्ममा जगन्नाथपुर गाउँपालिकाका निजी क्षेत्र सहकारी समुदाय समेतको सहकार्यमा स्थानीय आर्थिक विकासका योजना अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू सञ्चालित गर्नेछ उल्लेखित गाउँजिमको स्थानीय आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूको पहिचान र व्यावसायिक परिचालनका लागि जगन्नाथपुर गाउँपालिकाले विशेष पहल गर्नेछ
इसका लागी स्थानीय तो व्यवसायिक वातावरण को विकास करना चाहे रात्रि गांव पालिका ले निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र सहकारी समुदाय समेत को सहभागिता रहने गरी एक स्थानीय आर्थिक विकास संवाद मंच गठन करने नव परिवर्तन उद्यमशीलता प्रवर्धन करना स्टार्टअप अफ इको इको सिस्टम को विकास करना उद्यम सलाह संचालन करने इस अंतर्गत स्थानीय आर्थिक विकास पूर्वाधार निर्माण आर्थिक सशक्तिकरण तथा वित्तीय साक्षरता सहित कौशल विकास उद्यमशीलता विकास तथा नव उद्यमशीलता प्रवर्धन विशिष्ट वस्तु को उत्पादन तथा बाजारीकरण समेटने उद्योग तथा पर्यटन संबंधी नीति तथा कार्यक्रम औद्योगिक तथा व्यावसायिक विकास का लागी जगन्नाथपुर गांव पालिका को उद्योग वाणिज्य संघ समन्वय सहकारी को नीति लिने औद्योगिक प्रदर्शनी स्तर को संभावना र अध्ययन करी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ। औद्योगिक ग्राम पूर्वाधार निर्माण कार्य सार्वजनिक निजी सहकारी अवधारणामा संचालन गर्ने छ। जगन्नाथपुर गाउँपालिकाका जनताको मागलाई मध्यनजर गर्दै सबै प्रकारको सुरक्षा सुनिश्चितताका साथ स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा सघन बजारको सुरुवात गर्नेछ। उद्योग व्यवसाय दर्ता नवीकरण हस्तान्तरण तथा नामासारी जस्ता प्रशासनिक प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सरलीकरण र प्रभावकारी बनाइनेछ। लगानी मैत्री नीति तथा औद्योगिक पूर्वाधार सुदृढीकरण गर्दै उद्योग तथा पर्यटन को विकास को नीति लिने छ। विदेशी रोजगार बाट प्राप्त रेमिटान्स को व्यवसायिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र में लगानी गर्न वातावरण निर्माण गर्न विशेष पहल गर्ने छ। संपूर्ण स्वदेशी कच्चा पदार्थ गरी उत्पादन गर्ने साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई उत्पादन स्थलसम्म सडक पूर्वाधार र विद्युतीकरण को पहुँच पुर्याउने छ। पर्यटन मार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न जगन्नाथपुर गाउँपालिकाको पर्यटन गुरु योजना तर्जुमा गरी सोही आधारमा पर्यटन पूर्वाधार विस्तार र पर्यटन विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। जगन्नाथपुर गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका पर्यटकीय स्थलहरू जोड्न पर्यटकीय सडक सञ्जाल कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्नेछ। जगन्नाथपुर गाउँपालिका र बाहिर अन्य पालिकासँग सहकार्य गरी नेपाल पर्यटन बोर्डको सहलगानीमा साबिकको प्याकेजलाई सुधार सहित नयाँ प्याकेजको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नेछ। विभिन्न जात जातिको जातीय परम्परागत पर्व सांस्कृतिक संस्कारको प्रवर्धन गर्नेछ। विभिन्न जात जातिहरूको ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक पहिचान अवगत गराउन पर्यटकहरूलाई होमस्टे सहितको स्थानीय आर्गेनिक तरकारी तथा अन्य खाद्य उत्पादन पाउनको रूपमा राख्न छनौट गर्नेछ। मुख्य स्थान चौक र जगन्नाथ गाउँपालिका प्रवेशद्वारहरूमा पर्यटकीय क्षेत्रको परिचय सहित पर्यटकीय आकर्षण गर्न डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड राखिनेछ। जगन्नाथ गाउँपालिका भित्रका पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसारका लागि डकुमेन्ट्री प्रसारण र ब्रोसरहरूको वितरण गर्नेछ। जय नेपाल, अभिवादन बा, जय नेपाल। आज के ये कार्यक्रम नीति आ बजट दुनू प्रस्तुत भइल जौन हमनी के सर्वसहमति से पारित भइल और कुछ कार्यक्रम बा जौन आज भाषण में हा हम तुरंत सार्वजनिक सुनवाई हम राखे वाला बानी। हमनी के कार्यपालिका के तरफ से हरेक जनता के हरेक विकास हरेक खर्च के विवरण देवे खातिर हमनी के ये आषाढ़ मसान के अंतिम अंतिम में कुछ काम अभी अधूरा बा ओकर फोटो सहित काम के प्रगति सहित रोगन के बीच में हम प्रस्तुत करें। हम अपने ग्रहण के अभी आज हम प्रस्तुत करे वाला रहनी लेकिन समय में ना बातचीत उसे ओकरा के पोस्टपोन कर दिया ही। लेकिन आवे वाला 10-15 दिन के बीच में रोड रन का हरे ये संठी किस कॉल में आई लोग है देख ले ओके मतगणना के बेरी हरेक जगरातपुर गांव पालिका वासी संठी गांव होके आई लोई झाखरा से लेके अभी तक ले आधा गांव में ढला नहीं एक बरस में पूग गई। संघ प्रदेश के बात कही संघ से भी हुलाकी सड़क से देख लेकर
जाखरा धर्मपुर तक ले कालो पत्र हो गई पड़ गई बा स्थित बा इस साले कालो पत्र हो बहुत योजना बा जौन संघ सरकार से भी हमनी के पालिका में और ये क्षेत्र में आई बा जौना के सब के हम वो दिन रोहन के प्रस्तुति में बता रहल बा पत्रकार साथी लोग से हमार आग्रह बा रोवा लगन दूर से आइल बानी बड़ा मेहनत करके आइल बानी धामा में आइल बानी अपन खर्चा करके आइल बानी जगह रात भर के गाँव साबा देखे खाती तो की तो रोवा लगन यही बड़ा बन ली सदस्य उठा के जो हमने पूरा सदस्य गांव पालिका के कार्य समिति वाड़ा अगर छिया बानी से की ना और कुछ पत्रकार लोग बीरगंज में बैठल बा स्विमिंग पूल में नहा था कि कहाँ बैठल बा ऑनलाइन में लिखले बा अना धुन जगन्नाथपुर गाँव पालिका को अधिवेशन बाणी अब बताइए यू सब तो इसकार वाला होला कुछ जे पसना काछा टेंट में बैठल बा लोग ये लोग कुछ लोग के ना कही ला एसी में बैठल वाले तो लोग को के उ कौना दूरबीन से देखत आ रहे कितना में खरीद बिक्री होता है उनको कमती में यहाँ वही थे देखते पत्रकार राष्ट्र के चौथो अंग हो वो अधिकार बनता जो अगर सच्चाई जो चीज हो उजागर करे के चाहिए लेकिन झूठ के उजागर करी है वैक्सीन की ना तो किराना पसंद में तो उनका मन नहीं के पड़ा ये जगन्नाथपुर में वैक्सीन की ना कि ना इसलिए मैं किराना दुकान का बिना माटी के रबर पहले पैसा निकल गई चिट्ठी आ गई वसूल पर करे के वो मैं बहुत उपभोक्तो लोग के नाम बा अभी हो हमने फुर्सत आवेली से वो चिट्ठी जाई वैसे हमारे अवताप जी ठीक कहनी है जाए नीति कार्यक्रम हम नेपाली में भैया से रोहनता का सचिव में लिखा बा वसूल पर वो तुरंत पत्र जाए सबसे दुर्भाग्य जे राष्ट्र के चौथो अंग हो के जे गलत समाचार संप्रेषण करता वो राष्ट्र के हित में नहीं क्या करत हमनी का पालिका के हित में नहीं क्या करत ठीक है हमारे पालिका बदनाम है सब जनता जानता जनता और से कुछ नहीं कर पूरा कहाँ के रोड बनल बा कहाँ के नहीं के बनल कहाँ कौन क्वालिटी के बनल बा हरेक जनता के बीच में बनल बा लेकिन हर दिन दहाड़े इतना झूठ के न्यूज निकाले वाले पत्रकार साथी लोग से हमारा आग्रह बजे कौंती पर काट कर दे रोड़ा तो देख के जाता नहीं आना तो लोगों ने विश्वास ना उठे तो हम वार्ड अनुसार उठाओ तो नहीं गोली लगा ये गो कम हो तो है सब तो पानी सा यहाँ पर तो है ना टोटल लोग बाउने बाकी थोड़ी सा अभी कुछ लोग स्टेट्स के कमी से है ना 50 बाकी टोटल वही सा ये ही मैं कह तो उसे कहा जाए ये पालिका में जोन श्रीकांत यादव नेपाली कांग्रेस और ये विजेता टीम जो जॉन बच्चन और जनता में प्रतिबद्धता दे के आई बा भी कहीं तनको डर मगाई ना विकास निर्माण का काम तीव्र गति से ले लेगा जौन के देख के बेचैनी ढुकल बा घर में बतिया दल तो वो लोग पूछता तू और आला था का कहिल अब लवर नंबर बोल ले बा ऊपर औनी आगे बिगता दे में जे कौन जाके बाज जाए झूठ हो गए लहर के पर्दा फास बा जगन्नाथपुर के साथी लोग के भी हम कहे के चाहे चार नंबर वार्ड के हमने के कोनो वहां से कुछ लाद के केनो ले जात ना रहनी है सा ये एगो बक्सा ना रखो तो कनिए गांव पालिका से ये ले आओ तिल भेज दे रहा हूं 20 आदमी के जे घेरा से सब संपत्ति ढोके ले जाता रहो दूसरा ठाई कहीं पॉकेट में खोज के तरह ले जाला यो ले आवे के कारण बा मौसम इतना ना गर्मी बा जे को हितचुकी कोठरी में ना खपल जाई उसे खुला ठाव में लिया और गई अपना पाला में बीरेगंज होटल में हो जाए आपके उनके घर आई जाके घर पकड़ के सही हो जाए हम तो खुला में करते नहीं था कदम हमारे कदम बहिष्कार भयो तो उसे कहा जे रोला का कोई लाऊं पहले बनी अभिनव पहले बने सबसे हारल जाता तो हमने पंचायती को कह जाता नहीं सब तो करो के घर पर आ जाता कह जाता हमारा तो इतना मन लिया या फिर मान गोली फिर चल कर आ ये सब तो कोई विकास प्रेमी होला विकास जन प्रतिनिधि होला ए भाई तारा तेरी मानो कि ना मानो लगा मन लिखा जो कर ये अगर वो समझ आ गई ना बुद्धि आ गई ना विकास खातिर वो अगुवाई लेने का चाहता तो फिर जब नस्ती चाहता टकाया उतार दिली हुई रोबे कि ना ये पालिका बताओ तो और खर्चनों का लिमिट होला दूसर कामे में खेलो तो अपना पाला में तो कुछ कह नहीं ना
आज कौन ऐसा गांव में जाए रास्ता के में कुछ ना कुछ देखे वाला नहीं है। रोड़ा कमरा स्कूल में जाकर देखीजिए भाई बगीना, आज शिक्षक लोग हम धन्यवाद देवे चाहे ट्रोल लोग धन्यवाद देवे चाहे जे गांव पालिका के शैक्षिक सुधार में वहां लोग जो राय सलाह देनी वो सलाह सुझाव के साथ हमारे आड़ी बढ़ल बनी वहां लोग भी जो साथ समर्थ हमारा के दे रहल बनी उससे शैक्षिक क्षेत्र में भी बहुत सुधार हो वहां लोग भी विशेष धन्यवाद। आज स्वास्थ्य कर्मी साथी लोग आज और आप हट के करता ये बताइए एक बरस में खून कसाव चेक होता है यहाँ जगह रात में गांव पालिका में खून चेक होता एक्सरे होता। आज ये मन से घोषणा करे ये आने वाले एक दो महीना के भीतर में वो बर्थिंग ये बर्थिंग सेंटर को बर्थिंग सेंटर में ये वो दोनों में से ये वो बर्थिंग सेंटर में एमबीबीएस डॉक्टर के व्यवस्थापन एक नीति तथा कार्यक्रम में वो डॉक्टर बैठी चेक हुई तो हमारा कहे मतलब जे केहू कह देता तो अपना से ना भई तो खमा उजारला से होई तो उसे कहा जे भरम के खेती जे कुछ नहीं क्या हई नहीं क्या हाउ नहीं क्या हाँ ये को चीज साफा और आ गई बा बे काम कहले भुगतानी तो साफा बंद हो गई बा जोन पांच साल रो है वह हमारा से देखे हो गया सब आ झूठों के बेकाम के ठेकेदार बना के आ ठेकेदार के खेत बचवा के तिलवावे लगा एक बरस में देखे भाई जय ते काम कर ले बियाजी पर काट के आ खेत बेच के दे दे वैसा काम नहीं करे तो ऐसे कहा जो हम पुनः हर एक मतदाता के हम विश्वास पा रहे के चाहे जरूर बड़ा विश्वास और बड़ा भरोसा के साथ हई चेहरा के रोड़ा विजय करो ले बनी वो चेहरा जे भी बा वो पूर्ति करे खाती ओहो रात खाता था भार ढामा खटे इन सब हर एक दिन खटता इन सब छोटा से छोटा कार्यक्रम में छोटा से छोटा नाती जोखी में हमने पूर रहा है इन सब हमने के दोसर काम धंधा नहीं खे हमने व्यवसायिक ना है सब हमने व्यापारी पाड़ा के ना है सब जे इनारवा से पाड़ा हैरान की नेपाल में दुकाए हमने के शुद्ध विकास निर्माण पर ध्यान बा जो आगे बढ़ चुकल बा विकास के प्रति कौनो से रुकने वाला नहीं है चाहे वो कुछ पौरो सृजना कर दे क्योंकि प्रश्न घर में ढूंढ के डरिया के मार के डरवा देवे तो उसे रुकने वाला नहीं है ठीक है तनका कहीं अब हमने के इच्छा आज 20 फीट 30 फीट के रोड निकलो अब कहीं कहीं और आ जाता तो 12 फीट के काम चलाओगे पर था लेकिन अब लमरी बा ओकरा उजरे के स्थिति बा लेकिन ओकरा के भी जाके विभिन्न किस्म के प्रलोभन विभिन्न किस्म के बताओ अवरोध कर जाता ये ठीक नहीं क्या जानता से आग्रह बा रोड हर एक चीज के अध्ययन करी ओकर सूक्ष्म निगरानी राखी अगर हमरो में गलत बा तो रोड़ा अधिकार बनता हमरा से पूछे के हमरा का अपना गांव में बुलाई गलत काम हमारे कर्मचारी या हमारे जनप्रतिनिधि कैले बा तो रोड़ा गांव में हमरा का बुलाई हमरा से बात करी हमरा के भी जानकारी कराई काहे की ई रोड़ा लोग के बदौलत आज ई कार्यकारी नीति प्रस्तुत हम कैले बा ये हमार बदौलत ना कि रोड़ा सब के योगदान हो रोड़ा लोग दिन रात खट के रात और रखवाली करके आज निर्वाचित कर रहे बनी तो उसे रोवाल बन के कर्तव्य भी बनता जो हमारे का सही रास्ता में ले चले खाती तो कहता करे के ध्यान आकर्षण करावे में कुछ गलत तत्व के समावेश हो जाएगा हर एक चीज में बराबर कही हो में वो गलत दुगोई हम जो बैठ तुम गलत हो ये समाज में गलत हो वो गलत तत्वों के पछाड़ी गलत तत्वों के बात ना सुन के डायरेक्ट हमारा से बात करी अगर जहां अपने लड़के कमी कमजोरी महसूस होता वो जगह पर डायरेक्ट फोन करी बात करी और समय भी काम में बात ज्यादा ना कर पहले तंगे फिर प्रस्तुत कर अब पहले खानी भी तंगा बहुत लोग करे करता है कांग्रेस के ना खुश हो सब बताई लगा जैसे कि पहले खाली वो कार्यकर्ता के देखे गए रहे अब